नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइरो करते हैं खबर की ओर। पिता की जीत के लिए बेटी उतरी मैदान में। लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए अदिति यादव, जो कि पूर्व सीएम अखिलेश यादव की बेटी है, जब कन्नौज पहुंची तो सपा कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव की पुत्री अदिति यादव का फूलमालाओं और अखिलेश यादव जिंदाबाद, डिंपल यादव जिंदाबाद के जोरदार नारे लगाकर अदिति यादव का स्वागत किया। आपको बता दें कि लोकसभा के चुनाव के चौथे चरण का मतदान 13 मई को होना है, जिसमें कन्नौज से भाजपा प्रत्याशी सुब्रत पाठक और सपा प्रत्याशी पूर्व सीएम अखिलेश यादव का सीधा आमना सामना है, जिसका मतदान 13 मई को होने वाला है। इसके प्रचार में अखिलेश यादव की बड़ी पुत्री अदिति यादव इत्र और इतिहास की नगरी कन्नौज पहुंची। कन्नौज पहुंचकर उनका भव्य स्वागत किया गया और जनता के बीच आकर सभी मतदाताओं और समाजवादी पार्टी को वोट करने की अपील की। अदिति ने बताया कि आपने पहले भी कन्नौज से हमारे पिता अखिलेश यादव को आपने जीत दिलाकर भेजा था, इसके बाद हमारी मम्मी डिंपल यादव को आपने जिताया। एक बार फिर से आप लोगों के बीच हमारे पिताजी अखिलेश यादव आए हैं। हमें उम्मीद है इस बार आप लोग हमारे पिताजी को आप लोग जिता कर ही भेजेंगे। उन्होंने जनमानस से अपील की कि फिर से आप लोग एक बार अधिक से अधिक वोट देकर अखिलेश यादव को कन्नौज से विजय बनाए। उन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से लगातार और निरंतर चुनाव प्रचार करते रहने की बात कही। अदिति यादव ने कहा कि हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान खतरे में है, हमारे देश का संविधान आप लोगों के हाथ में है और आप लोग अपने देश के संविधान को बचा सके तो बचा ले। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नया भारत दर्पण समाचार के साथ।